नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के बाजार समिति नहर रोड में मैं भी केजरीवाल जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन के बाद से ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में मैं भी केजरीवाल जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत आप कार्यकर्ता पटना सहित राज्य के सभी जिलों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों से मोदी सरकार के तानाशाही से अवगत करा रही है। इस अवसर पर पार्टी के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सुयश कुमार ज्योति ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए साजिश रच रही है। मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा है कि जो भी मोदी सरकार से सवाल पूछता है या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता बबलू प्रकाश ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और कहा कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर सकती है लेकिन उनके विचारधारा को नहीं। भाजपा वालों को यह समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी एक एक कार्यकर्ताओं अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही है और ये न पहले कभी झुका था और न आगे भी झुकेंगे। अगर हमारे सारे नेताओं को जेल के अंदर भी बंद कर दिया जाए तो तब भी हम ईमानदारी और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र चौधरी, युवा नेता दिव्यांशु शेखर, संतीश गुप्ता, चंदन कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज पटना के बाजार समिति नहर रोड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान चलाया गया। इसमें लोगों को जो साजिशन अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने साजिशन शराब घोटाले में फंसाकर जो जेल भेजने की का कार्य किया है, इसके विरोध